इंस्टाग्राम रील्स में एक पेंटिंग वीडियो वाला नया ट्रेंड आया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम रील्स के लिए पेंटिंग वाली वायरल वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बहुत इजी तरीका बताने वाला हूं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा चीजें करनी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम लोग इस तरीके की वीडियो बना पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह दो चीजें कहना चाहूंगा। पहली तो ये कि वीडियो को लाइक कर दो, और दूसरा ये कि मस्त सा कॉमेंट कर दो, जो मन में आए कॉमेंट कर दो, बस कॉमेंट कर दो, ठीक है। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो पेंटिंग वाली वायरल वीडियो एडिटिंग है इसमें अभी तक व्यूज़ कितने गए हैं। तो हम लोग इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, और आप लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट वीडियो है उस पर 11 मिलियन व्यूज़ गए हैं अभी तक, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो उस पर 3.7 मिलियन, 4.4 मिलियन, और उसके बाद 1.8 मिलियन, 2.9 मिलियन, यानी कि इस तरीके की वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, यानी कि वीडियोज़ वायरल हो रही हैं। तो अगर आप भी ट्राई करते हैं तो हो सकता है आपकी वीडियो भी वायरल हो जाए। तो कैसे बनाते हैं उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है रीजल ऐप, जिसका डायरेक्टली लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को इस ऐप को ओपन करना होगा कुछ इस तरीके से। और जैसे ही हम ऐप को ओपन करेंगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आने वाला है। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहां पे एक आइकन दिखाई दे रहा है हम लोगों को सेंटर वाला, इस पे हमें क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद तो इस तरीके से हमसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो हम लोगों को अलाउ कर देना है। ये अलाउ कर दिया हमने सारे परमिशंस को, तो यहाँ से अलाउ ऑडियो को भी कर देते हैं और मीडिया का भी एक्सेस दे देते हैं। अब क्या होगा कि हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अब हम लोगों को टेम्पलेट वाले सेक्शन में जाना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक टेम्पलेट वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देते हैं। ये टेम्पलेट वाला सेक्शन जो है, अब क्या होगा कि यहाँ टेम्पलेट्स लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप लोगों को पेंटिंग वाली जो टेम्पलेट है वो यहाँ पे शो कर रही है, बट कभी इन फ्यूचर क्या होगा कि ये आगे पीछे हो जाएगी। तो सिंपली हमें क्या करना है कि सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप कर देना है पेंटिंग। तो जैसे ही हम लोग सर्च बार में पेंटिंग लिखेंगे हमें ये टेम्पलेट यहाँ पे शो करने लग जाएगी। सिंपली हम इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, क्रिएट अ वीडियो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये प्रिपेयरिंग हो रहा है। ये पूरा लोडिंग कंप्लीट होगा तभी हम लोग वीडियो बना पाएंगे। तो जैसे ही प्रिपेयरिंग कंप्लीट होगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे एक फोटो को सिलेक्ट करना होगा जो भी हम लोग पेंटिंग करते हुए वीडियो में देखना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से किसी भी फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, एरो वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर मेरी पेंटिंग होना स्टार्ट हो गई है वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग फोटो को कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप लोग फोटो को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोटो बिल्कुल सही साइज में है, 1:1 में। लेकिन अगर आपका फोटो 9:16 में होगा तो आपको कस्टमाइजेशन की हो सकता है ज़रूरत पड़े, बट ये मेरा फोटो बिल्कुल सही साइज में है। अगर आप लोग पहले से ही कस्टमाइज कर लें तो बेहतर होगा, वरना यहाँ से आके भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वापस से बैक जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या करना है कि सिंपली इस वीडियो को सेव कर लेना कुछ इस तरीके से, और ये वीडियो हमारी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो डिफॉल्ट ऑडियो है वो यूज हमको नहीं करना है, जो वायरल ऑडियो है उसी को यूज करना है। उसको कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे हमारी वीडियो सेव हो चुकी है, अब हम लोग ऑडियो को यूज करना सीखेंगे। पहले मैं टेलीग्राम में जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को टेलीग्राम में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दे दूंगा। तो यहां पर यह ऑडियो जो है अभी मैंने टेलीग्राम के सेव्ड वाले सेक्शन में पटक रखी है, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इस ऑडियो वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। सो आप डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, वैसे यहीं पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है, सेव ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो को सेव करने के बाद हम लोगों को प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और रील वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। रील वाले सेक्शन में जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे गैलरी वाले ऑप्शन में जाना है और जो वीडियो हमने सेव करी थी उसको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। अब सिलेक्ट करने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पे बैक वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, प्रोसेसिंग हो जाने का वेट करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, अब हम लोगों को प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो हमारी रेडी है, बट यहाँ पे अब हम लोगों को ऑडियो को चेंज करना होगा। ऑडियो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो हम लोग ऑडियो को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। अब हम लोगों को ऑडियो वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ और इसकी जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो है उसको हम लोगों को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। यहाँ से इस तरीके से हम इसको ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से हम लोग अपनी ऑडियो को ऐड करेंगे। तो जो हम लोगों ने ऑडियो सेव करी थी वो सेव्ड वाले सेक्शन में हमें शो करेगी। तो हम लोग यहाँ से जो वायरल ऑडियो है उसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑडियो था उसी वाले ऑडियो में हमारी वीडियो रेडी है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से पेंटिंग वाली वायरल वीडियो एडिटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम रील्स के लिए पेंटिंग वाली वायरल वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोस डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अनीश फॉर यू।